अस्सलाम वालेकुम, कैसे भी का मिलो लो, सब ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं आ गया हूँ इस ब्लॉग में कुछ ऐसा दिखाने लगा जो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि चटनियाँ टेस्ट के लिए और फ्रेगनेंस परफ्यूम, ठीक है। और वो परफ्यूम जो होगा वो वुमेन एंड मेंस दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये है सनम जंग का परफ्यूम। देखें इसकी पैकिंग, पहले तो आप इस परफ्यूम की पैकिंग देख लें। देख लें साइड्स पे फोम सा लगा हुआ है, अंदर कुछ इस तरह का है। इस तरह की पैकिंग बहुत, मतलब इनकी पैकिंग चीप है बहुत। अगर आप ये गिफ्ट के लिए किसी को देना है तो आप इस तरह की पैकिंग में बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अगर आपने अपने लिए लेना तो आप ले सकते हैं। तो आज अब हम आप लोगों को परफ्यूम ओपन करके दिखाते हैं। वैसे अंदर इसे ऐसे देखें, इधर की तो फिर भी बेहतर है। फिर आ जाए देखें अंदर से कुछ कितना क्यूट बॉटल है इसकी। देखें ऊपर इसका कैप कितना क्यूट है। चले ये देखें अंदर से इसकी जो फ्रेगनेंस है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए। और मैंने ये बाय की थी अपने पापा के, ठीक है। और मैंने इस साल वैक्स की बाय की थी। ये देखें वैक्स की पैकिंग कितनी क्यूट है, छोटी सी वैक्स है, कितनी क्यूट है। ये परफ्यूम वैक्स है, ठीक है। ये देखें आज मैं इसको भी ओपन करती हूँ। जैसे कुछ इस तरह से मैं आप लोगों को लगा के दिखा देती हूँ। ये इसको लगाने से देखें बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी नहीं है। मतलब फील भी नहीं होता कि आपने लगाई है, बस आपके हैंड से ना एक खुशबू आ रही होती, खुशबू। तो ये थी इसकी वैक्स। देखें इसकी पैकिंग ज़्यादा क्यूट है, वैक्स की बहुत अच्छी पैकिंग है। वैक्स का बॉक्स जो है ना वो वैसे भी अच्छा है, थोड़ा सा मजबूत है। ये तो बिल्कुल ही गद्दे की आम सी डिस्को सी, डिस्को सी, ये तो डिस्को सी पैकिंग है, बिल्कुल ही डिस्को सी। बस इसकी बोतल ज़्यादा क्यूट है, देखें पेटी है बस। ये देखें ये अब क्या चीज़ है समझ ही नहीं आई। तो अब ये था परफ्यूम, परफ्यूम की बोतल अच्छी और इसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी है और ये बहुत क्यूट है, छोटी सी डिब्बी में है। तो आ जाए अब हम लोग चलते हैं। ये जो वैक्स है ना, ये आप हैंड कैरी में, मतलब हैंड बैग में, अपने पर्स कहीं भी पाउच में डाल सकते हैं, बहुत ईजी टू कैरी है, छोटी सी तो है। उससे पहले हम चलते हैं हरम इंशा की तरफ। बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं ना वो यही है। हेलो गाइस, आप मेरी ब्लॉग को भी लाइक करिए। हैं हमारी ज़िया फूड्स की चटनियाँ जो हमें एज अ पिया रही थी। एक है मैंगो, एक है प्लम। प्लम और मैंगो दोनों ही अच्छी, लेकिन जो प्लम वाली थी वो ना बड़ों को ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो मैंगो वाली थी वो हम छोटों को ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ये जो दोनों चटनियाँ ना, जैसे एक चटनी होती है जो बहुत ही मीठी होती है, ये उस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। ये खट्टी मीठी स्पाइसी अंदर मिक्स ही है, ठीक है, बहुत मज़े की हैं। चले आज अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। आप तो सोचेंगे आधे क्यों है, क्योंकि पहले मैंने सारी अपनी फैमिली को चेक कराई थी, फिर उसके बाद मैं फिर रिव्यू देते होते हैं ना। चले आज हम इसको ओपन करते हैं। इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से है और अंदर से इस तरह की है। अच्छा, ये ऊपर से प्रॉपर सील थी, ये सील हमने खोल दिया। और ये जो प्लम चटनी है ना, इसके अंदर इसकी, मतलब ये प्लम पूरे पूरे इस तरह पड़े हुए हैं, और ये चटपटी सी है और ये खट्टी मीठी सी है, काफ़ी मज़े की है। पराठे के साथ नाश्ते में तो बहुत अच्छी लगती हैं, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंगो वाली। मैंगो वाली भी अच्छी है, मैंगो वाली हम छोटों को अच्छी लगी थी। ये देखिए मैंगो वाली, इसके अंदर ना ये मैंगो बिल्कुल ऐसे पेस्टी है और इसके अंदर कलवंजी भी है। कलवंजी आपको पता है वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे आप घर की चटनियाँ खा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये बाज़ार की चटनी है ना। तो ये बहुत अच्छी चटनी, ये स्पाइसी स्पाइसी सी है थोड़ी सी। हरम की तो सबसे फेवरेट है ये चटनी। हरम तो इसको सालन में भी डाल के खाती है, शोरबे में जो होता है उसमें डाल के ना एक चम्मच डाल के खा लेती है, तो पता नहीं क्या ही खा रही है, चॉकलेट है, ठीक है। तो ये थी हमारी, ये आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हाँ, खट्टी मीठी सी है। गाइस आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों वो नहीं करते? कल भी मैंने एक ब्लॉग डाला था, उसको भी लाइक वगैरह कर दिया। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट्स भी कर दिया करें प्लीज़। आपको वीडियो अच्छी लगी है, गंदी लगी है, सारा कुछ बता दिया करें। और ये भी बता दें कि आप लोगों को वो परफ्यूम वगैरह, उसकी पैकिंग वगैरह अच्छी, गंदी थी, गंदी तो थी लेकिन बॉटल उसकी क्यूट थी, और वैक्स की पैकिंग
थी, स्ट्रॉन्ग भी थी और सारा कुछ था। और ये चटनियाँ वगैरह आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए, बहुत अच्छी हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों को कल। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।